ओम साई राम सभी के लिए। आज के संदेश में बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चों, ये जो अभी तुम्हारा कठिन समय चल रहा है, इस कठिन समय में मन ही मन मेरे नाम का स्मरण जाप करते रहो मेरे बच्चों, क्योंकि ये तुम्हारा इतना कठिन समय है मेरे बच्चों, इस कठिन समय में मेरे नाम का स्मरण किए बिना तुम नैया को पार नहीं लगा सकते हो मेरे बच्चों। इस कठिन समय में भी तुम अपने कार्य में एक अच्छा फल पाने के लिए मेरे नाम का स्मरण, मेरा चिंतन करते रहो, मैं जल्द तुम्हारे पास आऊँगा और मैं तुम्हारे पास ही हूँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अपना एहसास कराऊँगा, आज नहीं तो कल तुम्हें पक्का एहसास कराऊँगा। और हाँ मेरे बच्चों, जिस बीमारी से तुम अभी तक लड़ रहे थे ना, उससे अब तुम्हें निजात मिलने ही वाला है मेरे बच्चों, बस थोड़ा सा धैर्य धीरज और रखो मेरे बच्चों, तुम्हारी नैया पार होने वाली है और तुम्हारी ज़िंदगी में अब प्रकाश ही प्रकाश होने वाला है मेरे बच्चों। इसलिए मेरे बच्चों, अपने मन को, अपने तन को मेरे पर न्यौछावर कर दो, पूर्ण समर्पण कर दो अपने मन को मेरे चरणों में, मैं तुम्हें हर विपत्ति से बचाने की औकात रखता हूँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बचा लूँगा मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास रखो, मेरी शरण में रहो, जिस प्रकार रहते हो मेरी शरण में उसी प्रकार मेरी शरण में रहते रहो, मैं तुम्हें भविष्य पार ले जाने में तुम्हारी हर तरह से सहायता करूँगा मेरे बच्चों, कभी किसी भी विघ्न को तुम्हारे पास तक नहीं आने दूँगा मेरे बच्चों। इस कठिन समय में मेरे बच्चों, अगर थोड़े बहुत हालात तुम्हारे बिगड़ जाएं तो अपने आप को कमज़ोर मत समझना मेरे बच्चों, अपने आप को कमज़ोर मत बनाना, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करना, तुम मजबूत हो मेरे बच्चों, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें कोई हानि पहुँचाने की चेष्टा भी नहीं कर सकता मेरे बच्चों। जो तुम्हारी बुराइयां कर रहे हैं मेरे बच्चों, उनसे बहसबाजी और उनको सफाई देने की कोशिश मत करना मेरे बच्चों, क्योंकि जहां आप थे वहां भी मैं हूं, और जहां आपकी बुराई हो रही थी वहां भी मैं ही था, इसलिए मैं सब देख रहा हूं मेरे बच्चों, मैं सब सुन रहा हूं, मुझ पर आस्था रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारा कभी अपमान सहन नहीं कर सकता मेरे बच्चों, ठीक है, इसलिए अपने आप का ख्याल रखते रहो और अच्छे से रहो, सत्कर्म पर चलो, अधर्म का साथ मत दो। ओम साई राम सभी के लिए, जय साईनाथ सभी के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब